पुराने जमाने में हिंदुस्तान वाले आमदनी के लिए हाथियों का सहारा लेते थे। वो लोग हाथियों को ऐसी जगहों पर ले जाते जहां के लोग हाथी को नहीं जानते थे। एक दिन शाम होने के बाद कुछ हिंदुस्तानी एक गांव में पहुंचे जहां गांव के मुखिया ने उन लोगों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए उन लोगों ने सोचा कि कल दिन के उजाले में अपने हाथी की नुमाइश करेंगे। इसके बावजूद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि कुछ अजनबी लोग एक अजीब और गरीब जानवर के साथ यहाँ आए हुए हैं। देखते ही देखते गांव के मुखिया के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाथी के मालिकों ने लोगों से कहा कि वो अपने अपने घरों को लौट जाएं, कल सुबह वो हाथी को लोगों को दिखाएंगे। इस वक्त वो अस्तबल में आराम कर रहा है, लेकिन गांव वाले उस अजीब और गरीब जानवर को उसी वक्त देखना चाहते थे और काफी देर तक खड़े रहे। आखिरकार मुखिया के कहने पर हाथी के मालिकों ने एक मुअम्मा तैयार किया। मुअम्मा कुछ यूं था कि हर कोई जाए, रात की तारीकी में जानवर की सही शक्ल सूरत का पता लगाए। गांव वाले एक एक करके अस्तबल में गए। जहां हाथी सो रहा था सभी ने रात की तारीकी में हाथी को छूकर देखा और हर एक को हाथी के जिस्म का कोई एक ही उज्व समझ में आ सका। उनमें से एक जिसने हाथी का सूंड छुआ था जोर से बोला, अरे ये जानवर तो एक मोटे पाइप की मानिंद है। दूसरे शख्स ने जिसने हाथी के कान को छुआ था कहा, नहीं ये जानवर एक बड़े दस्ती पंखे की तरह है। तीसरे देहाती ने जिसने हाथी का पैर छुआ था कहा, तुम दोनों गलत कह रहे हो, ये जानवर तो एक सुतून की मानिंद है। चौथे शख्स ने जिसने सिर्फ हाथी की पुश्त पर हाथ रखा था बड़े मुतमईन अंदाज में कहा, नहीं तुमको समझने में गलती हुई है, ये हैवान तख्त शाही से मुशाबहत रखता है। इस तरह हर एक ने अपने अपने अंदाजे से हाथी की मुख्तलिफ चीजों से मिसाल दी, लेकिन कोई भी हाथी की सही शक्लो शमाइल नहीं बता सका। इसके बाद एक शमा रोशन की गई और हकीकत सब पर आया हो गई।